दोस्तों शिमारू उमंग लेकर आ रहा है एक नया शो जिसका नाम है कर्माधिकारी शनिदेव, स्टारिंग विनीत कुमार, अपर्णा दीक्षित एंड सुहासी धामी। शो के लॉन्च इवेंट पर जस्ट शोबिज ने एक्सक्लूसिव बातचीत करी शो की कास्ट से और जाना उनके कैरेक्टर से जुड़ी कुछ खास बातें। हाय अपर्णा, फर्स्टली वेलकम टू जस्ट शोबिज एंड कांग्रेचुलेशन आल्सो। थैंक यू। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ऑडियंस की, आपके फैंस की जो शिकायत थी, इतने दिन से आप कहाँ थी? मैं यही हूँ, मैं छुप रही थी कि मुझे पता है कि आजकल बिग बॉस चल रहा है और मेरे से बहुत सारे उसके सवाल पूछे जाएंगे, बट आई वॉन्टेड कि मैं अपने किसी शो के बारे में बात करने के लिए आऊँ सबसे पहले, एंड आई थिंक आज वो मौका आ गया है। सो मैं जहाँ भी छुपी हुई थी मैं आ गई हूँ आपके सामने। ओके, तो इतने मतलब बीच में जो ब्रेक लिया आपने, उसके बाद इस शो के लिए हाँ किया है, तो कुछ खास वजह तो ज़रूर रही होगी, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहे आपके नए शो के बारे में। खास वजह यही रही है कि ये जब शो मुझे ऑफर हुआ उस मोमेंट पर बस मुझे लगा कि अब मुझे ले लेना चाहिए ये कैरेक्टर, ये किरदार, और फिंगर्स क्रॉस्ड, जब आप कोई शो साइन करते हो तो नहीं पता होता है कि वो आपका राइट डिसीजन है कि रॉन्ग डिसीजन है, वो वक्त ही बताता है आपको। सो मैं भी बस एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये बिल्कुल सही डिसीजन रहे मेरे लिए और मैं बहुत इन्जॉय कर पाऊँ इस शो को। जी जी, तो बात करें अब तक का वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अभी मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है, लेकिन जितने भी दिन मैं सेट पर गई हूँ और जो मेरा लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं दामिनी का किरदार निभा रही हूँ जो शनिदेव की पत्नी है, बहुत ही खूबसूरत है, गॉडेस ऑफ कला है, गंधर्व प्रिंसेस हैं, सो आई गेट टू प्ले दिस ब्यूटीफुल प्रिंसेस, और पूरा दिन मैं मुकुट में रहती हूँ, मेरा हेड गेयर बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो ऑब्वियसली वो हैवी ज्वेलरी और वो सारी चीज़ें उसका एक एस्पेक्ट है, लेकिन दूसरा ये है कि वो देखने में इतना खूबसूरत लगता है और अपने आप को स्क्रीन पर सुंदर देखना किस लड़की को पसंद नहीं होता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जानना चाहेंगे इसके साथ कुछ चैलेंजिंग लगा, जैसे आपने कॉस्ट्यूम तो बताया हैवी है, बट साथ ही कुछ लैंग्वेज बैरियर या फिर कुछ भी और चैलेंजिंग लगा? सबसे पहले आई थिंक चैलेंजिंग यही होता है कि उसके डायलॉग्स, क्योंकि माइथोलॉजिकल शो है तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, आपको एक वो लाइन ऑफ हिंदी रखनी पड़ती है, मतलब आप परंतु किंतु बोलना पड़ता है, और हमें बहुत आदत होती है कि ऐसे कुछ भी बोलने की, बल्कि नहीं बोल सकते और कोई भी इंग्लिश का वर्ड नहीं डाल सकते, क्योंकि नॉर्मल शोज में आप इम्प्रोवाइज करते हो, काफ़ी कुछ ऐसे अपने वर्ड्स डाल देते हो जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली बहुत ही स्पष्ट भाषा बोलनी पड़ती है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, और लाइन्स याद बिल्कुल उसी तरीके से करनी होती है, और आई थिंक राइटर्स ने बहुत ही ब्यूटीफुल जो डायलॉग्स लिखे होते हैं आपको वो डायलॉग्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही कन्विंसिंगली याद करके बोलने होते हैं, सो आई थिंक दिस इज अ चैलेंजिंग पार्ट, अदर देन दैट आई एंजॉय व्हाट आई डू। जी जी, साथ ही बात करें तो इसके पहले भी आप एकदम ऐसा नहीं बट इस तरह के कैरेक्टर्स प्ले कर चुकी है, तो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको अब तक किस कैरेक्टर को करने में आया है अब तक? मेरा ये जो आंसर है वो आई थिंक अभी नियर फ्यूचर में तो नहीं बदलने वाला है, मेरा जो सबसे दिल के करीब शो है वो कलश ही है और कलश ही रहेगा। उसमें मैंने अंबिका का कैरेक्टर, देविका का कैरेक्टर जो निभाया, आई थिंक देविका इतना ज़्यादा लोगों के दिलों में और मेरे दिल में है, या मेरे दिल के वो इतना करीब है कि लोग आज भी जब मैं सुबह उठती हूँ, इट्स बिन सो मेनी ईयर्स, 2015 में मेरा कलश आया था एंड इट्स ऑलमोस्ट बिन 7-8 ईयर्स, तब भी रोज़ लाइक लिटरली एवरी डे उसका कोई ना कोई कोलाज, कोई ना कोई सीन मेरे इंस्टाग्राम पे टैग किया होता है। सो आई थिंक एक शो का सबसे अहम चीज़ यही होती है कि वो सालों साल तक लोगों के दिलों में ज़िंदा रहे, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू कि देविका आज भी उतने ही फ्रेश है मेरे माइंड में जितनी तब थी जब मैं उसको प्ले कर रही थी। जी जी, अपर्णा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि आप लोगों के सवालों से छुप रही थी, तो क्या अगर आगे आपको मौका मिलता है रियलिटी शोज़ करने का तो आप करना चाहेंगी या नहीं? मुझे लगता है एन एक्टर शुड नेवर से नेवर, बट अभी तो फ़िलहाल मैं अपने करीबी लोगों को अपने वन ऑफ माई फेवरेट शोज़ में देखकर, उनको वो जैसे भी परफॉर्म कर रहे हैं मुझे उनको देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। फैंस से यही मैसेज है कि मेरा शो देखिए, मेरे कैरेक्टर को पसंद कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, हमारे शो को बहुत सारा प्यार दीजिए, कर्माधिकारी शनिदेव जो आने वाला है शिमारू टीवी पर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। हेलो विनीत सर, स्वागत है आपका जय शो बिज में, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन।
तो सर नया किरदार नया शो आ चुका है, तो क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि आपका हर अगला किरदार एक छाप छोड़ने वाला होता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। ये भी छाप छोड़ने वाला है, इसके बारे में इतने कह पाऊँ कि जब ये शो आएगा आप लोग ये शो देखेंगे तो आप इस शो में आप भूल जाएंगे विनीत कौन है, आपको लगेगा शनि देवी है। सर इसके पहले भी शोज आए हुए हैं जैसे महिमा शनि देव की, बट इस बार जो टाइटल ट्रैक है वो अलग दिख रहा है, कर्माधिकारी, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये इसमें नई चीज़ है, इसमें समझ थोड़ा डिटेल में समझाया गया इस शो में। जैसे पहले शनि देव की थोड़ा सा इमेज ऐसी थी डरावनी, लोग डरते थे, तो इस शो में जो राइटिंग है जो लिखा गया उसके थ्रू बेसिकली ये समझाया गया कि शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको परेशान नहीं करते हैं, वो आपकी लाइफ में बीच में टांग नहीं अड़ाते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। वो तो ऑब्वियसली इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि सब आपके हाथ में हो, जैसे आप काम करो ऐसा आपको फल मिले, तो बस उसी का ध्यान रखते हैं शनिदेव, ये समझाया गया है। बाकी वो कैसे खुद कैसे शनिदेव बने शनि से उसकी स्टोरी सुनाई गई है, और अपना रामायण से लेके सतयुग से लेके द्वापर युग और जहाँ तक है कलयुग तक उनकी जो स्टोरीज़ हैं, जो पौराणिक जो लिखी हुई हैं, उन स्टोरीज़ को वहाँ से लेके अब तक लोगों की लाइफ पे उनका क्या असर पड़ा है, सतयुग से लेके अब तक किस किस को, राजा हरिश्चंद्र से लेके, वो स्टोरीज डिटेल में दिखाई गई हैं आगे आने वाले उस एपिसोड्स में। जी जी सर, अगर बात करें तो जब शो का ऑफर आया था तो क्या कुछ रिएक्शन था आपका? जी, जब फर्स्ट टाइम मुझे बुलाया गया था तो मैं शनिदेव को पहले से ही मानता हूँ, मुझे लगा मुझे जाना तो चाहिए, मेरा काम है, बट मैं गया था, बट मैं श्योर था कि मैं कर नहीं पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा ये। जब पूरा अटायर मुझे दिया गया, पूरे कपड़े पहनाए गए, तो मुझे और फीलिंग है मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है ये सब पहन के मुकुट वगैरह वो सब करना, तो मैं किया था मैंने ऑडिशन, पर मैं वापस आ गया था बोल के कि मुझसे नहीं होगा। बट फिर वही जो मैं बोलता हूँ कि आप ऐसे रोल चूज़ नहीं करते, ऐसे रोल आपको चूज़ करते हैं, तो शायद भगवान ने मुझे चूज़ किया है। फिर 2 महीने बाद फिर वापस बात आई, फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे मिला, उनसे बात हुई, तो वो ज़्यादा कन्विंस थे कि मुझे ही करना चाहिए शनिदेव, जब से उन्होंने सुना था वो शो बना रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चलो भगवान यही चाहते हैं, तो बस मैं अपनी मर्ज़ी का बहुत कर लिया, ये शो मैं भगवान की मर्ज़ी से कर रहा हूँ, वरना मुझे पता था बहुत मुश्किल होने वाला है। जी, जैसा कि सर ने आपने कहा कि आपने पहले मना कर दिया था, तो आपको ऐसा मतलब सबसे चैलेंजिंग क्या लगा, वो कपड़े इस तरह की ज्वेलरीज पहनकर? चैलेंजिंग एक तो मैं ना बड़ा खुल के एक्टिंग करता हूँ, मैं जो नेगेटिव रोल्स करता हूँ या जो भी है, तो मैं नेगेटिव इसलिए ज़्यादा करता हूँ और मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो इतनी बाउंडेशंस नहीं होती। हमारे इंडियन टेलीविज़न में क्या होता है, डेली सोप्स में आप देखोगे ना, लीड थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी नहीं हंस सकता है, हर टाइम स्माइल रह के रहेगा, वो गुड बेबी गुड बॉय वाली इमेज होती है ना, तो एज एन एक्टर मुझे वो बहुत बांधती है, तो मैं सीख ही रहा हूँ अभी, आगे बहुत काम करना है, तो मुझे लगता था मैं थोड़ा खुल के काम करूँ तो सीख पाऊँगा, और अचानक शनिदेव हीरो भी नहीं भगवान बन जाना, इतना कंट्रोल में काम करना, तो वो भी एक डिफिकल्टी थी जो मेहनत करके अब कर रहे हैं अचीव। सर अगर पिछले शोज की बात करें तो आपने देखा जाए तो हर तरह का कैरेक्टर प्ले कर लिया है, बट ऐसा कोई ड्रीम कैरेक्टर है जो अब तक आपने ना किया और करना है आपको आगे? वन डे आई विल प्ले जेम्स बॉन्ड। सर लास्टली जाते जाते फैंस के लिए कोई मैसेज? फैंस के लिए बस इतना ही बोलूंगा कि एक बार बस जरूर देखिएगा, इतना ही बोलूंगा, एक बार आप देख लीजिएगा, फिर आप खुद ही नहीं छोड़ पाएंगे, मुझे पता है। हेलो स्वास्थ्य मैन, वेलकम टू जस्ट शोबिज, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन आल्सो आपके नए शो के लिए, तो इस नए किरदार के बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आपके नाम के साथ दो नाम दिख रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं पहले, तो ये क्या है? तो सूर्यदेव जो कि पता है सन, हाँ, उसकी उनकी वाइफ है संज्ञा, संज्ञा ने किसी वजह से अपने शैडो को सजीव किया, अपनी छाया को सजीव किया, और उसका नाम है छाया, और उसका पुत्र है शनिदेव। तो ऐसे देखा जाए तो सूर्यदेव की 2 बीवियाँ हो गई, एक संज्ञा और एक छाया, तो मैं संज्ञा और छाया का किरदार निभा रही हूँ। ओके, तो साथ ही मैम ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक का वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके को स्टार्स के साथ भी, और साथ ही आपका पर्सनली एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, को एक्टर्स भी बहुत सपोर्टिव और अच्छे हैं। जब आप माइथो करते हैं तो यू नीड एक्टर्स जो पेशेंट रहे, जो रीटेक्स होते हैं काफ़ी सारे, कॉस्ट्यूम में टाइम लगता है, जो जैसे डेली सोप में हम अगर 10 सीन्स कर ले तो माइथो में इतने सारे नहीं हो पाते, थोड़े चुन के होते, तो कई बार आपको वेट करना पड़ता है, तो
पेशेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि अब तक तो सब हैं काफ़ी, तो सपोर्टिव एक्टर्स हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो दिस इज़ व्हाट यू नीड, तो ही दिल से एक्टिंग कर पाते हैं। जी जी। साथ ही मैम, अगर कॉस्ट्यूम की बात की जाए तो काफ़ी हैवी ज्वेलरीज रहते होंगे, तो फिर कितना हेक्टिक हो जाता है वो सब, कितना चैलेंजिंग हो जाता है वो सब? ना बस पहले हफ्ते के लिए ही लगता है, बाकी तो यू गेट यूज टू इट। चेंजिंग वेंजिंग करना, पटापट रेडी होना, बाल वाल के ऐसे बड़ा सा बन बनाना, यू जस्ट सिट पेशेंटली, बट वो एक हफ्ते के लिए लगता है, बाकी देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। साथ ही अगर बात करें तो जब शो के लिए आपको अप्रोच किया गया तो पहला आपका थॉट प्रोसेस क्या है? मैं बहुत एक्साइटेड हो गई क्योंकि डबल रोल था, फिर मैंने सोचा कि भाई डबल रोल मतलब डबल काम, डबल कॉस्ट्यूम्स, डबल चेंज, डबल लाइन्स, फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं करते हैं ना कुछ, अभी मैंने इतने टाइम से कुछ लिया नहीं था, यही सोच के कुछ इंटरेस्टिंग करूँगी, तो अभी मिला है तो फिर। साथ ही मैम अगर बात करें तो शनिदेव पे पहले भी कई शोज बन चुके हैं, तो क्या लगता है ऑडियंस इस शो के ज़रिए कनेक्ट कर पाएगी खुद को, क्योंकि स्टोरी ऑलमोस्ट सबको पता ही होती है? हाँ, एवरी स्टोरी इज़ नोन बाय एवरीवन एक्चुअली, आजकल लोग पढ़ते भी आजकल ज़्यादा है, यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया इज़ बीन हेल्पिंग फॉर नॉलेज ऑल्सो, बट यही है कि सब अपनी अपनी कोशिश करते हैं, सब अपना 100% देते हैं, अब ऑडियंस किसके साथ कनेक्ट करता है वो तो सब बाद में ही पता चलता है, बस ये है कि हमने जो ऑडियंस बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है, बट वी हैव टेकन अ चांस ऑफ नॉट शोइंग शनि एज अ चाइल्ड एंड शोइंग एंड फोकसिंग ऑन व्हाई ही इज कर्म अधिकारी, सो इट्स अ चैलेंज, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, हमारा फोकस यही है, वरना इट्स ईजियर टू कि कृष्णा को छोटा बताओ तो वो शो 100% चलेगा, या कोई भी ऐसे जो हमारे प्यारे कैरेक्टर्स होते हैं उनको बचपन से अगर दिखाओ तो ज़्यादा ग्रैब करते हैं वो लोग, बट हमने ये चांस लिया है, सो लेट्स सी। चाहती आती आपके फैंस एंड ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू, आपने मेरे सारे कैरेक्टर्स को इतना पसंद किया है, और अब मैं डबल रोल माइथो में करने जा रही हूँ, जो कि मैंने पहले कभी किया नहीं है, डबल रोल वैसे किया है बट माइथो में करना अलग होता है, तो प्लीज़ आप देखिए, और मैं अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करूँगी, आई होप यू लाइक इट एंड यू अप्रिशिएट इट। सो आप इस नए शो के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें जस्ट शोबिज़ को।